नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। अपराध का गढ़ बनते जा रहे मधुबनी जिले का पुलिस कप्तान, बदलते ही अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। अपराधियों के घटनाओं के लिए सबसे चर्चित इंडो नेपाल की सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस को लगातार सफलताएं मिल रही है। हाल के दिनों में पुलिस ने कई चर्चित आपराधिक मामलों का सफलतापूर्वक उद्भेदन कर जनमानस को एक संदेश दिया है कि अपराध जैसा भी हो, अपराधी कोई भी रहे, पुलिस की पकड़ से ज्यादा दूर नहीं है। दो दिन पहले जयनगर थाना पुलिस ने चर्चित किराना व्यवसायी श्रवण काबरी हत्याकांड का उद्भेदन करते हुए हत्यारे को सलाखों के पीछे भेज दिया था। आज फिर जयनगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। शुक्रवार को पुलिस ने देसी कट्टा, दो जिंदा कारतूस के साथ दो अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके साथ ही पुलिस ने होली पर्व के दिन देवधा में हुई गोलीबारी की घटना में गंभीर रूप से जख्मी हुए उसराही गांव निवासी सत्येंद्र नाथ सत्यम घटना मामले का उद्भेदन कर दिया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए SDPO विप्लव कुमार ने बताया कि देवधा थाना क्षेत्र के उसराही निवासी सूर्यानाथ गोहिवार के 24 वर्षीय पुत्र सत्येंद्र नाथ सत्यम पर होली पर्व के दिन शाम मिश्री लाल चौक के समीप कमला नहर बांध पर उसराही निवासी रामचंद्र यादव के पुत्र सुजीत यादव समेत अन्य अज्ञात आरोपी अपराधियों के द्वारा रुपए लेन देन के विवाद में गोलीबारी कर सत्येंद्र नाथ को जख्मी कर दिया था। अनुसंधान के क्रम में कांड के अभियुक्त सुजीत यादव को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी सुजीत से पूछताछ के क्रम में बताया गया कि थाना क्षेत्र के पिटवा टोल निवासी लक्ष्मेश्वर मुखिया का 21 वर्षीय पुत्र विजय मुखिया उर्फ बिचोलिया, जो कि मित्र है, उसी ने मेरे कहने पर सत्येंद्र नाथ सत्यम को गोली मारने में साथ दिया था। गिरफ्तार आरोपी सुजीत यादव ने घटना का कारण बताया कि उनकी पत्नी को सत्येंद्र नाथ द्वारा बार बार छेड़छाड़ किया जाता था। मना करने पर भी बाज नहीं आने पर अपने अपराधी साथी विजय मुखिया के साथ मिलकर जान से मारने की योजना बनाया और इसके लिए गोली मरवाया। गिरफ्तार अपराधी सुजीत यादव इससे पूर्व भी जेल जा चुका है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। मधुबनी जिले सहित आसपास की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम आप तक हर छोटी बड़ी खबरों को पहुंचाते रहेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फेसबुक पर चौथा स्तंभ डिजिटल पेज को फॉलो करें। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए हमारे न्यूज वेबसाइट www.4thastambhdigital.com पर जाएं।